जब तक मैं सरदार जी का मैं हुक्म नहीं पाऊंगा, जब तक मैं गुफा के अंदर तुमको नहीं ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, जाकर बता दो कि आपसे एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान मिलना चाहता है। ठीक है सर जी। सरदार जी जय भवानी की। जय मां भवानी की। सरदार जी हाँ, हमारे गुफा के बाहर एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान आया हुआ है। सरदार जी मुसीबत का मारा? हाँ सरदार जी। अच्छी तरह से तुमने देख लिया है सरदार जी? हाँ। जब उसका तरफ मेरा नजर पड़ा तो मेरा बंदूक का निशाना उसकी तरफ लग गया। तो कहा कि मुझे मंगल सिंह गोली मत मारो, मैं मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। जाओ उसे बाइज्जत मेरे पास लेकर आओ। ठीक है सरदार जी, मैं तुरंत लाऊंगा मुसाफिर। सरदार जी गुफा के बाहर अंदर तुम्हें बुला रहे हैं। चलिए मैं चल रहा हूं। चलो हमारे साथ। सरदार जी की जय हो। क्या बात है दोस्तों, इसको देखा सरदार जी? हाँ। मैं तो देखा कि मुसीबत का मारा है इंसान है। मुसीबत का तो मारा है, लेकिन ये मेरा खास दोस्त, यानी समझ लो मेरा छोटा भाई, जिसका नाम सोनू सिंह है। सरदार जी हाँ, हमको क्या मालूम कि तुम्हारा दोस्त है कि तुम्हारा दुश्मन है? नहीं, हमको क्या मालूम है। सोनू ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ सरदार जी, बुलाओ इसे इधर। सरदार जी हाँ, तुम्हारा दोस्त है तो अपने दोस्त से थोड़ा बातें करो। सरदार जी, क्या बात क्या है, मुझसे कोई गलती हो गई? मेरी बात सुनो। बड़ो अरे बहे क्यों आंख से आंसू, अरे मेरे भाई बता दी बहे जानना चाहते हैं? हाँ। मैं ग्राम चकपुरवा नगर का रहने वाला हूँ। सुन रहे हो? मेरा नाम सोनू है। हाँ। और उसी रामनगर चकपुरवा में ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह रहते हैं। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह? हाँ। हमारे ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का यानी बहुत समाने से पुरानी परंपरा चली आ रही है। हाँ। हमारे उस इलाके में जिसका गौना होकर आता है। हाँ। उस दुल्हन को वो अपने हवेली उठवा लेता है साहब। अच्छा। रात भर दुल्हन को हवेली में रखता है। हाँ। और सुबह उसके मकान भेज देता है। बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है साहब। और कभी मेरी माँ, हाँ, पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी सरदार जी। हाँ। मेरी माँ 500 रुपया कर्ज लाई थी। 500 जी। फिर क्या हुआ? काफी अरसा गुजर गया, माँ ने कर्जा नहीं दिया। हाँ। और मैं ब्याज के उसका रुपया 5000 हुआ था। अच्छा। वो अपने साथियों को लेकर मेरे मकान आया, मेरी माँ को मारना शुरू कर दिया, मुझे भी काफी मारा पीटा। फिर क्या हुआ? बोला शांति, हमें हमारा रुपया इसी वक्त चाहिए। हाँ। मुझे मालूम नहीं था सरदार जी। हाँ। मैंने ठाकुर से कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं आपका पूरा पैसा अदा कर दूंगा। सही बात है। उसने कहा एक मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। हमारे पिताजी के पास 10 बीघा जमीन थी। हाँ। पिता
जिसे अंगूठा करा कर उसको भी ले लिया, उसको भी ले लिया जी। फिर क्या हुआ साहब? बहुत मारा पीटा, उतने में हमारी बहन सरला आ गई। जब वो सरला को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया कि शांति तेरी लड़की से आनी है और इस लड़की को अपने हवेली हम लिए जाते हैं। हाँ? जब तेरे पास 5,000 रुपया हो जाए तो अपनी बेटी को ले जाना। ये बात है। रामनगर चकपुरवा के बाहर पठानों का पुरवा एक पड़ता है। हाँ? उस पुरवा में गफ्फार नाम के एक मुसलमान रहते हैं। अच्छा। हमारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त थे, उनके पास माँ ने भेजा। हाँ? बेचारों ने 5,000 रुपया दिया। बोले जाओ बेटे, ये रुपया जाकर ठाकुर के मुंह पे मारना और अपनी बहन को छुड़ा लाओ। सही किया उन्होंने। मैं माँ को लेकर ठाकुर के हवेली गया। हाँ? और उसके दो नौकर गेट पे खड़े थे। फिर उन्होंने कहा पैसा हमें दे दो तब हम हवेली में जाने देंगे। हाँ? लिखा पढ़ी तो हम ही लोग करते हैं। हाँ, सही। मैंने कहा माँ दे दो, तो पैसा उन लोगों को दे दिया साहब। फिर और जब हवेली में गया तो ठाकुर ने कहा शांति तू अपनी बेटी को लेने आई है? माँ ने कहा हाँ साहब। बोला हमारा 5,000 रुपया दे दो, हम तुम्हारी बेटी को दे दें। यानी माँ ने कहा पैसा तो वो आपके नौकरों ने ले लिया है। सही बात है। जब ले लिया, जब ठाकुर ने उनसे पूछा तो वो साले झूठ बोल गए। वो झूठ बोल गए कि हमें एक पैसा नहीं दिया। वो कहा कोई में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो सरला को हमारे हवेली से ले जाए। अच्छा साहब। हाँ। मुझे क्रोध आ गया कि मैं पैसा भी दे दिया हूँ और ये मेरी बहन को नहीं दे रहे। मैं बात जबरदस्ती माँ को वहीं छोड़कर हवेली गया। हाँ। और सरला को लेने हवेली गया। इधर कमीना ठाकुर मेरे माँ को गोली मारती। चिंता मत करो, तुम्हें सहारा जरूर मिलेगा। मेरे माँ को गोली मार दिया। जब आकर देखा तो माँ की लाश पड़ी हुई थी। हाँ। मैं माँ की कसम खा लिया हूँ कि जब तक मैं माँ का बदला उन दरिंदों से नहीं लूंगा, मेरे माँ के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा किया तुमने। मैं आपका नाम सुनकर आपके अड्डे पे आया हूँ, बस यही मेरी कहानी है साहब। यदि आप मेरी साथियों तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये मेरा दोस्त है, आज ये मुसीबत में है। हाँ सरदार जी। हमें पहचानता नहीं है, तुमको नहीं पहचानता, लेकिन एक दिन इसने मेरी मदद किया है। अच्छा, तो हमारा भी फर्ज बनता है इसकी मदद करना। लेकिन साथियों, सरदार जी, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हम दोनों एक गाना गाते थे। अच्छा। देखना मेरा दोस्त तुरंत पहचान जाएगा। अच्छा। मास्टर अरे दोस्तों की जान या मेरे मालिक। ये तो मेरे सामू की, सामू ने ऐसा ही गाना गाया था जब मैं उसके मकान। अरे दोस्तों की जान लेती है, यागा। हाँ सुनो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ आपके हाथों में बंदूक गोलियों का माला पड़ा हुआ है बदन में, आप डाकू कैसे बन गए? सुनो, मेरी भी कुछ ऐसी मजबूरी थी जो मुझे हाथ में बंदूक उठाने से मजबूर कर दिया। क्या क्या? वो कौन सी मजबूरी थी? हे मास्टर, जिस दिन तुमने मेरी मदद किया उस दिन तो वो ठाकुर चला गया। यानी जिस वक्त मैं तुम्हारे मकान गया। हाँ। उस दिन वो ठाकुर चला गया, फिर क्या हुआ? उसके दूसरे दिन ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ठाकुर धर्मू सिंह, दोनों लोग
मेरे मकान पर आ गए। फिर क्या हुआ? और मुझे रस्से से एक खंभे में बंधवा दिया। यानी तुम्हें खंभे में बंधवा दिया? हाँ सुनू। फिर क्या हुआ? और मेरी नजरों के सामने तेरे भाभी को गोलियों से छलनी कर दिया। यानी भाभी साहब को गोली मार दिया। तभी मैंने कसम खाया था कि ठाकुर तुझे ऐसी जगह मारूंगा हराम जादे एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा। लेकिन तू चिंता मत कर, अभी तक तो मैं अकेला था लेकिन अब हम तो हो गए हैं, अब हम देखेंगे ठाकुर कैसे क्या करता है। साथियों सोनू ये समझ ले, आज से सोनू सबके लिए मर गया, आज से सोनू सबके लिए मर गया, आज से जन्म लेगा डाकू सोना सिंह, डाकू सोना सिंह के नाम से जाना जाएगा। साथियों थमा दो इसे बंदूक, आज से मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बनाता हूं। सोनू बोलिए, कभी गरीबों को सताना नहीं लेकिन अमीरों को हरामजादों को कभी छोड़ना नहीं। ये तो वक्त बताएगा श्यामू भैया। चलो मेरे साथ गुफा के अंदर, सबसे पहले अपना ये लिबास धारण कर। चलो चलते हैं। चलो मेरे साथ, जय मां भवानी की। ठाकुर साहब, हम लोगों ने रामनगर व चकपुरवा की कोलिया कोलिया छान दिया लेकिन उस लौंडे का और उसके बहन का कोई पता नहीं चल सका कि वो राम बाली ना जाने साले को धरती निकल गई या आसमान। सुनवा दहशत मान कर डर से गांव छोड़कर भाग गया है और उसकी बहन सरला इस वक्त अकेली घर पे मौजूद है। क्या कहा धर्म सिंह? आ जा, आइए हम लोग चलते हैं। नी रामबली धरा, हाय ये बता। हाँ हेलो भाई, अपना ज्यादा बड़ा नहीं कौन से मीटर न फाट जाए। राम बली, हाँ अभी कितनी दूर पड़ेगा उसका? बहुत ज्यादा ज्यादा 1 किलोमीटर है। अब चली तुरंत जल्दी कर रहे यार, टाइम दूसरी कोलिया से लेकर आया। चलो फिर चलो। राम बली, यही आ मकान देखो सामने वह है, यही मकान है, दरवाजा बंद है। इधर आ गया, यार राम देख दरवाजे तो ऐसे खोलेगी नहीं, बहुत डरी हुई है, डरी हुई है, में अकेली है और हमको पहचानती भी है, इसलिए एक काम का बहाने से दरवाजा खुलवाते हैं। बहाना से? और क्या, कौन बहाना करूं? रामली तुम बन जाओ, कौन जानते हो सबसे पहले हम बने प्रधान बनेंगे और ये बनेंगे धर्मू सिगरेट और तू बनेगा पंचायत मित्र हमारा साथ। बहाने से खुलवा। अनी तुम प्रधान जी हो गए हो और धर्मू भैया और सिंग्रेटरी हो गए,
हम पंचायत मित्र इनसे कह दे कि शांति के नाम की कॉलोनी आई है। बहाने से जब ऐसे बोलेगा ना तो जनता क्या होगा? ये हरजन लोग जो है, ये हरजन लोग पैसे के बहुत लालची होते हैं, कॉलोनी के नाम पे लाल लगा देते हैं। घर में कौन है सबसे? अच्छा चुप रहो, लाइन से ठाड़ हो। प्रधान जी तुम कहाँ जाते हो? तुम्हें कहीं ठाड़ हो, देखो मैं घुरावत हुआ। अरे मकान में कोई है? कौन है भैया? ये शांति का मकान है क्या? हाँ शांति का मकान है। शांति का है? हाँ। ये बताओ शांति है? नहीं वो तो मर गई। ये बताओ तुम्हारा महर कॉलोनी का शांति फार्म भरन रहता? हाँ। फिर कॉलोनी पायो? नहीं मिली, पर नहीं मिली। लैटरिंग? लैटरिन प्रधान खा गया। बताओ लैटरिन प्रधान खा गया? अरे देखो प्रधान लैटरिन नहीं खा गया, लैटरिन का पैसा। लैटरिन का पैसा है? हेले हम सोचो कि लैटरिन प्रधान खा गया। अरे तुम टेंशन मत लो, जो पैसा दूसरी जगह चला गया दूसरे खाते में, वो पैसा तुम्हारा आ जाएगा जल्दी। अच्छा ठीक, मैं कहा देखो प्रधान जी आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं और पंचायत मित्र आए हैं, अपन आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और एक फोटो ये हमका लाग दे दियो, और जो पैसा नहीं आवाया और फंसा वया जाए हम मोहर लगा दिया पास हो जाए। ठीक है, अगर ऐसी सुनो जल्दी करो, देखो अबे हम का जाऊं ना कहीं गौती कहीं सर्वे कर जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं दरवाजा खोल रही हूँ, आ रही हूँ। दरवाजा खुल गया, चल दिया चल दिया। प्रधान जी जाऊं तुम्हारा लैटरिंग खा के हराम जादे बहाने से तुम लोग मेरे घर में फिर घुस आए, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो। बड़ी बात मानो, मेरी जान मन इस घड़ी बात मानो, मेरी जान मन इस घड़ी और साथ में प्यार से मेरे चल दो अभी, वरना गुस्सा कहीं ये मुझको आ जाएगा, जबरन सीने से अपने की प्यास, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सीने की प्यास, तेरे इस गोरे गोरे जिस्म से नहीं मिलेगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। धर्मू देखता क्या है,
उठा इसको, उठा ले अल्लाह तल हवेली पे, हवेली ले जाकर इसकी गर्मी को शांत करूंगा हराम जाने की। नहीं, एक काम करो, बोलो तुम हमारी बात मानो, चले जाओ यहां से। चले तो जाएंगे, लेकिन ये बोलो इसको क्यों छेड़ रहे हो? मैं जा तो बस 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 खामोश रहे। अरे सुन लो खान तुम, बस बस खामोश रहे। अरे सुनो खान तुम बात, अरे क्यों टक्कर लेते मुझसे हो? अरे सुनो मेरी, हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम में विवाद हो, इसलिए जाओ जाओ अपने घर वापस लौट जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये मुल्ला कहां से आ गया बीच में? अबे यार चच्चा जाओ यार, हमारे पंचन के बीच मना पड़ो, जाके गौती में अंडा बेचो। बेवकूफ कहीं का समझाना इसका, नहीं कहीं गुस्सा आ गया तो। किधर गया हराम खोर? अरे यार धर्म भाई गोली मार दे या मुल्ला के यार, लाओ साले उधर। से ज्यादा हराम ज्यादा चम्मच चूल्हे, गलती नहीं ना, गलती नहीं ना।
बाबा पकड़ लिया। क्या रे रामजादे, क्या रे कमीना कहीं का, कहता है इस मुल्ला के गोली मार दो। क्या रे रामजादे, बाबा माँ चर्चा मो गलती नहीं मारा कमीना कहीं का, गलती अमा गलती नहीं नाम का नमाज हो चुला परी अम्मा अब नहीं पूरी ठंडी उलिया गे अम्मा गलती नहीं ना का काम का माफ करा दे अम्मा गलती नहीं ना किसकी गलती है वो इनकी दोनों की गलती है वो कौनो गलती नहीं ना मत तुमको छुए तक नहीं ना क्यों रे हराम चाहते आकर के तू ले जा रहा था क्यों रे कहता है मैं छुआ नहीं चाचा माफ करा दे आज तुम्हारी दुकान और चलवाएगा तो चाचा के मन हराम जाने हमारी दुकान चाचा अगर तुझे माफ करना है सुनिए माफ तो तभी करेंगे पहले हाथ जोड़ो हाथ जोड़ करके पैर छुओ और बोलिए कि आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे बहन हमें माफ कर दो को पहुंच हुआ तो छुए का ना लाए कर क्या ये लड़की के हम पहुंच हुए हाँ यही के पहुंच हुए ये नीच जात के हम पहुंच चल छो आराम जा दे कहीं टाण घुस गया ठाकुरी कहीं तेरा को मैं पहुंच गए जाऊन के तऊ के आज के बाद ना कर तई के कहीं और ऊपर उठा लिया नहीं बाद में कहियो कि सर तक भूई छुई से मुँह पाँव नहीं छुई एक तक ले मन लगा का मैं देख रहा हूँ करा ले मुंह बेचती हम साले मारेंगे डंडा तो जल्दी तेग चुवत जाऊं के तव की नाच के बाद ना करो आज से तुम्हारे लगे नहीं आई में देख लो छुए जा तू मैं अंधा नहीं हूं साले जाऊं के तव की आज के बाद ना करो बहन जी हमको माफ कर दे बेटी हाँ चाचा जी ये तुम्हें क्यों छोड़ रहे थे मैं घर में अकेली थी अकेली पाके झूठे से मुझे दरवाजा खुलवाया बहाना से कि तुम्हारी माँ ने फार्म डाला था तुम्हारी कॉलोनी आई है दरवाजा खोल कर मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे अच्छा अकेली देख करके हाँ छेड़ रहे थे लेकिन ये बताइए जहाँ कहीं सोनू रहता था ना सोनू 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 नाम का लड़का था सोनू हाँ? अरे चाचा जी सोनू तो मेरा भैया है क्या सोनू तुम्हारा भाई है हाँ मेरा भाई है कहाँ गया सोनू 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 तो मुझे घर में अकेली छोड़ के बोला बहन तुम घर में अकेली रहो मैं थोड़ा गांव की तरफ जाके बता के आता हूँ जो कर्जा ठाकुरों से इनसे लिया था वो कर्जा दे के मेरे भाई उनसे कर्जा भी ले लिया और फिर भी बेईमानी कर रहे थे मैं इनके कमरे में बंद थी और जबरदस्ती जब मेरा भाई कहा मैं इनको लेके जाऊंगा अपनी बहन को वो हवेली लेने चले गया इन हरामजादों ने मेरी माँ को गोली मार दिया क्या तुम्हारी माँ को गोली मार दिया हाँ अफसोस इसी वास्ते भैया ना जाने उन
उनके दिमाग में क्या आया, मुझे अकेली छोड़ गए। मैंने कहा भैया मुझे अकेली मत छोड़ो। कहा नहीं सरला, तुम भगवान भरोसे घर में रहो, मैं भी गांव की तरफ जाता हूँ, सभी गांव वालों से बताऊंगा कि इन्होंने मेरा कर्जा भी ले लिया है और मेरे साथ बेईमानी किया है, मैं भी लौट कर आ रहा हूँ। देखो बेटी ऐसा करो, तुम चलो इस वक्त हमारे साथ और आज से तुम हमारे घर पर रहो। ठीक है चाचा, मैं अकेली हूँ बहुत। यहाँ रहोगी तो ये हराम दादे आकर के तुम्हें भी परेशान। ठीक है चाचा जी, चलो मैं आपके घर चलती हूँ। चलो चलो, चलो।, 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 चलो।